हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड सिमेट्री एलिमेंट डिस्कस करेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, और COS, ठीक है, कोस भी बोलते हैं इसे। तो अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है 1,2-dichloroethene, ठीक है, 1,2-dichloroethene, और इसका ट्रांसफॉर्म हमने ले लिया, ठीक है, ट्रांसफॉर्म है। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर हम यहां पे कोई पॉइंट मिरर, मतलब एक मिरर लगाते हैं जो बहुत छोटा है, पॉइंट के बराबर है, तो इस मिरर के अबाउट इन दोनों को एग्जैक्टली आइडेंटिकल मिरर इमेज मिलेगी। क्लोरीन को यहां पर एग्जैक्टली आइडेंटिकल मिरर इमेज मिलेगी, और हाइड्रोजन को भी मिरर इमेज मिलेगी। तो ये एक ऐसा पॉइंट है मॉलिक्यूल में जिसके अबाउट हर एक एटम को एग्जैक्टली आइडेंटिकल मिरर इमेज मिल पा रही है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जो हर एक एटम की मिरर इमेज बना रहा है। ठीक है, या हर एक एटम को मिरर इमेज मिल पा रही है। बट अगर हम इसका सिस फॉर्म लेते हैं, तो सिस फॉर्म में मान लीजिए ये पॉइंट है, तो इन दोनों को तो मिरर इमेज मिल जाएगी, मगर हाइड्रोजन की यहां मिरर इमेज नहीं बन पा रही, क्योंकि यहां क्लोरीन है और यहां H है। यहां पर भी देखिए, हाइड्रोजन को यहां पर मिरर इमेज नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहां हाइड्रोजन है, यहां क्लोरीन है। तो यहां पर कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो वॉट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री? इट इज डिफाइंड एज एन इमेजनरी पॉइंट, इमेजनरी पॉइंट, या एक पॉइंट है ये, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल अबाउट विच एवरी एटम हैज एग्जैक्टली आइडेंटिकल मिरर इमेज। तो ये वो पॉइंट है जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, अगर हर एक एटम को उस पॉइंट के अबाउट एग्जैक्टली आइडेंटिकल मिरर इमेज मिले। और अगर नहीं मिल रही है तो फिर ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हो सकते हैं, मगर सेंटर ऑफ सिमेट्री एक से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। मतलब आइदर ये होगा या ये नहीं होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री या तो प्रेजेंट होगा या प्रेजेंट नहीं होगा। अगर हम बात करें स्क्वायर की और इक्विलैटरल ट्रायंगल की, ओके, तो स्क्वायर में अगर अपन देखें, ये पॉइंट है, यहां पर देखिए मिरर इमेज है एग्जैक्टली आइडेंटिकल। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए यहां पर एग्जैक्टली आइडेंटिकल मिरर इमेज है, इस पॉइंट के लिए यहां मिरर इमेज है, यहां मिरर इमेज है। ठीक है, तो यहां पर स्क्वायर में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मगर हम अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें, इसकी मिरर इमेज यहां आनी चाहिए, जो कि कुछ है नहीं। यहां पर आनी चाहिए इस पॉइंट की मिरर इमेज, पॉसिबल नहीं है। यहां पर आनी चाहिए, पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। वैसे भी अगर इवन नंबर ऑफ, ठीक है, आइडेंटिकल, मतलब जैसे मान लो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट है और ये पॉइंट, ये ऑड नंबर है, यहां पर देखो आप इवन नंबर है, ठीक है, तो इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स, एग्जैक्टली आइडेंटिकल पॉइंट्स अगर है तो ही COS आ सकता है। यहां अगर देखें हम फर्स्ट मॉलिक्यूल में दो क्लोरीन आइटम है, इवन नंबर्स में दो हाइड्रोजन आइटम्स हैं, दो कार्बन आइटम्स हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री यहां पर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हर एक पॉइंट को एग्जैक्टली आइडेंटिकल मिरर इमेज नहीं मिल रहा है, जबकि यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए। बताइए, इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, तो CH3 को CH3 मिरर इमेज, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिरर इमेज, कार्बन कार्बन भी मिरर इमेज है। ओके,
अगर हम यहां पे देखें, एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं, इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो इस पॉइंट के अबाउट कार्बन कार्बन मिरर इमेज, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिरर इमेज, ये कार्बन कार्बन मिरर इमेज, और ये पॉइंट मिरर इमेज, ये पॉइंट भी मिरर इमेज है। तो इस मॉलिक्यूल में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, इस मॉलिक्यूल के लिए अगर हम डिस्कस करें तो इस पॉइंट के अबाउट ये कार्बन और ये कार्बन तो मिरर इमेज बना पाएंगे, मगर ऑक्सीजन के लिए यहां मिरर इमेज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां ऑक्सीजन है और यहां कार्बन एटम है। सिमिलरली यहां पर ऑक्सीजन है, यहां कार्बन एटम है, मिरर इमेज नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें ओके, इस मॉलिक्यूल को कंसीडर करें आप, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है इस पॉइंट के लिए? ये दोनों मिरर इमेज, ये दोनों मिरर इमेज, और ये ऑक्सीजन के लिए, ये ऑक्सीजन भी मिरर इमेज, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, इसको हम कंसीडर करें, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा। तो ये कॉर्नर वाले जो ग्रुप्स होंगे दे विल लाई इन वन प्लेन। इस पॉइंट के लिए ये दोनों एटम्स मिरर इमेज, ये दोनों एटम्स मिरर इमेज, मगर ये हाइड्रोजन जो होगा या क्लोरीन है, ठीक है। तो H के सामने Cl आ रहा है, यहां पर मिरर इमेज नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। ओके, सिमिलर ग्राउंड्स पर हम इस मॉलिक्यूल को डिस्कस करें, ये दोनों मिरर इमेज, दोनों मिरर इमेज, कार्बन कार्बन मिरर इमेज, एंड हाइड्रोजन मिरर इमेज, मिथाइल मिथाइल मिरर इमेज। तो हर एक एटम को यहां पर मिरर इमेज मिल पा रहा है और इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। एलीन सिस्टम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसमें दो पाई बॉन्ड्स कॉन्सिक्यूटिव आ रहे हैं, तो अगर ये प्लेनर होंगे तो ये आउट ऑफ प्लेन होंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। और ऐसे केस में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर यहां पर आप मिरर इमेज लेंगे तो यहां प्लेन में आना चाहिए, जबकि प्लेन में नहीं है। हाइड्रोजन की जो लोकेशन है ये आउट ऑफ प्लेन है, ठीक है। तो यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री का कोई चांस नहीं है। ओके, तो इस तरीके से अगर अपन सोचें, बहुत सारे स्टूडेंट सोच सकते हैं क्लोरीन की यहां मिरर इमेज आ रही है, मगर ये अगेन यहां पर क्या है, दो पाई बॉन्ड्स हैं, और दो पाई बॉन्ड्स हैं तो जो कॉर्नर ग्रुप्स होंगे दे विल लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री का कोई चांस या स्कोप नहीं है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस मॉलिक्यूल। यहां पर देखिए तीन पाई बॉन्ड्स हैं और जो टर्मिनल ग्रुप्स होंगे दे विल बी इन सेम प्लेन। अगर ये सेम प्लेन में है तो इसमें क्या होगा, ये दोनों मिरर इमेज, ये दोनों मिरर इमेज, और क्लोरीन क्लोरीन मिरर इमेज, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिरर इमेज, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। जैसे नाइन्थ क्वेश्चन में अगर हम देखें, ये Cl और H, मान लीजिए रेड Cl है और वाइट हाइड्रोजन है, ठीक है, ऐसे सोच सकते हैं। और यहां पर अगर अपन देखें H ये वाइट है, ये Cl है, तो ये तीन पाई बॉन्ड्स हैं
और क्योंकि तीन पाई बॉन्ड्स हैं तो दे विल बी प्लेनर, जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं प्लेनर होंगे। तो इस पॉइंट के अबाउट क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन मिरर इमेज फॉर्म करेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिरर इमेज फॉर्म करेंगे। तो ये प्लेनर ग्रुप्स हैं, और प्लेनर ग्रुप्स हैं तो क्या होगा, टर्मिनल ग्रुप्स अगर प्लेनर हैं, ठीक है, ये दोनों ग्रुप्स और ये दोनों ग्रुप्स प्लेन में हैं, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन अगर हम कंसिडर करें दो पाई बॉन्ड्स, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, दो पाई बॉन्ड्स अगर हैं, हम इसको ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्लोरीन, यहां पर एच, तो ये रेड जो है क्लोरीन हो गया, ये एच हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये ग्रुप्स परपेंडिकुलर होंगे, अगर आप ऐसे देखोगे इसको, तो यहां पर जो क्लोरीन है उसकी मिरर इमेज यहां आनी चाहिए पीछे प्लेन में, वो चीज नहीं हो रही है, ठीक है, ये ग्रुप्स परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो इसकी मिरर इमेज जो कि यहां आनी चाहिए थी वो पॉसिबल नहीं है। टर्मिनल ग्रुप्स अगर परपेंडिकुलर होंगे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। और एलीन सिस्टम में अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अगर आ जाते हैं, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आ जाते हैं तो COS नहीं हो सकता है, लेकिन अगर ऑड नंबर आ जाते हैं तो COS हो सकता है, इफ दीज टू आर आइडेंटिकल एंड दीज टू आर ऑल्सो आइडेंटिकल। ओके, और क्वेश्चंस हम इस पर डिस्कस करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री पर। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन देखिए यहां पर दो पाई बॉन्ड्स हैं, और दो पाई बॉन्ड्स हैं तो ये ग्रुप्स और ये ग्रुप्स परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर होंगे तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकता। इसमें देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है ये, ठीक है, तीन ग्रुप्स हैं और प्लेनर होंगे, प्लेनर होंगे तो क्या होगा, इसमें COS होगा, ये दोनों मिरर इमेज फॉर्म करेंगे, ये दोनों मिरर इमेज फॉर्म करेंगे, दोनों मिरर इमेज फॉर्म करेंगे, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा। अगेन यहां पर भी थ्री है तो ये भी प्लेनर होंगे, बट यहां COS नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जो बॉन्ड ऑक्सीजन आइटम है, यहां कार्बन है, तो यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। ओके, बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर हम कंसीडर करें, तो बेंजीन के हाइब्रिड स्ट्रक्चर में डेफिनेटली एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, सॉरी, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें होगा ही, क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस तरीके से बेंजीन में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। ओके, 14 क्वेश्चन अगर हम देखें, अगेन 1, 2, 3, 4 इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, और इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे तो ये ग्रुप्स परपेंडिकुलर होंगे, और अगर ग्रुप्स परपेंडिकुलर होंगे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की कोई पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं है। इस मॉलिक्यूल को हम कंसीडर करें 1, 2, 3 और 4 डबल बॉन्ड की तरह, तो यहां पर भी क्या होंगे, जो कॉर्नर ग्रुप्स होंगे दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और यहां पर COS नहीं होगा। ध्यान दीजिए, एक पाई बॉन्ड, तीन और एक और, तो 4 ग्रुप्स हैं, और ऐसे ग्रुप्स क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और परपेंडिकुलर रहेंगे तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं होगा। इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, एक ही पाई बॉन्ड है और ये एक दूसरे के लिए मिरर इमेज फॉर्म कर रहे हैं, ये भी मिरर इमेज फॉर्म कर रहे हैं, तो इस मॉलिक्यूल में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हो पाएगा।
अगेन एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड की तरह होगा, तो कॉर्नर या टर्मिनल ग्रुप्स प्लेनर होंगे, और प्लेनर होंगे तो इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री हो पाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस पर हम करते हैं। ओके, तो वन टू एंड थ्री पाई बॉन्ड, तो टर्मिनल ग्रुप्स विल बी प्लेनर, और प्लेनर होंगे तो यहां पर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन में भी अगर हम देखें तो एक ही पाई बॉन्ड है, ये मिरर इमेज फॉर्म करेंगे, ठीक है, और इस मॉलिक्यूल में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं, ठीक है, और आप लोगों को जहां पे भी क्वेश्चंस मिले हैं आप अटेम्प्ट करें। अब हम देखते हैं साइक्लिक सिस्टम की हम बात करते हैं। तो साइक्लिक सिस्टम में हमने देखा था, अगर हम सब्स्टिट्यूटेड लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मॉलिक्यूल, तो क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हो पाएगा? देखिए, अगर मैं इसको पॉइंट को लेता हूं तो यहां इमेज इस पर आनी चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। और अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म भी ले लेता हूं, तो इस पॉइंट के अबाउट, ये दोनों तो मिरर इमेज बना रहे हैं, ये दोनों भी मिरर इमेज बना रहे हैं, मगर इस पॉइंट की यहां मिरर इमेज कहीं बन नहीं पा रही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ओके, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की हम बात करें तो इस हाइड्रोजन के लिए ये मिरर इमेज बना रहा है, ये भी मिरर इमेज बना रहा है, कार्बन और कार्बन मिरर इमेज बना रहे हैं, कार्बन कार्बन मिरर इमेज बना रहे हैं, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हो पाएगा। अगर हम इसी क्वेश्चन में सिस फॉर्म लेते हैं, तो सिस फॉर्म अगर लेते हैं, यहां पर देखिए इसकी मिरर इमेज यहां बननी चाहिए, पॉसिबल नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो पाएगा। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया जाए, तो इसका मतलब है ये मिथाइल ग्रुप कमिंग आउट ऑफ प्लेन है और ये मिथाइल ग्रुप मूविंग इन द प्लेन है, ठीक है, और ऐसे में जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इस पॉइंट के लिए ये मिरर इमेज है, मिरर इमेज है, और इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। तो ऐसा अगर दिया जाए तो यहां CH3 इसके लिए मिरर इमेज बनाएगा और ये CH3 इसके लिए मिरर इमेज बनाएगा, तो COS इसके अंदर पॉसिबल हो पाएगा। इस मॉलिक्यूल में देखो आप, यहां पर और यहां पर तो मिरर इमेज बन जाएंगे क्योंकि ट्रांस हैं, लेकिन इन दोनों में मिरर इमेज पॉसिबल नहीं है और इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए, क्या इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री हो पाएगा? ये मिरर इमेज तो बना पा रहे हैं, ठीक है, मगर यहां डबल बॉन्ड की लोकेशन है और यहां डबल बॉन्डेड कार्बन नहीं है, sp3 कार्बन है, ठीक है, तो सिमेट्रिकल नहीं है, हर एक एटम को मिरर इमेज नहीं मिल रही है, COS नहीं होगा। ओके, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्यूब। ठीक है, तो क्यूब में अगर हम देखें क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो पाएगा, डेफिनेटली इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिरर इमेज, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिरर इमेज, ठीक है,
तो हर एक पॉइंट को एग्जैक्टली आइडेंटिकल मिरर इमेज मिलेगी और क्यूब में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हो पाएगा. ठीक है, तो हमने काफी सारे क्वेश्चन किए अनसैचुरेटेड पर और सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन पर. कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं स्पायरो कंपाउंड्स पर. तो हम लोग बात कर रहे थे स्पायरो कंपाउंड्स की. तो स्पायरो कंपाउंड्स में दोनों रिंग्स परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब अगर एक रिंग है तो एक ये रिंग क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन. और ऐसे केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, बोथ रिंग्स विल रिमेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ऐसे क्वेश्चन और भी आ जाए, दो आपको स्पायरो कंपाउंड्स बना दें और ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए, दिखने में तो ऐसा लगेगा जैसे COS इसमें है, मगर एक्चुअली ये दो रिंग्स हैं और अगर ये प्लेनर होगा तो ये परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा और इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री का कोई चांस या स्कोप नहीं है. मान लीजिए कि अगर ऐसे थ्री रिंग्स दे दी जाए, ठीक है, तो क्या होगा, जो टर्मिनल होंगी वो प्लेनर होंगी और बीच वाली जो रिंग होगी ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगी. एक आउट ऑफ प्लेन जो बॉन्ड्स बना रखे हैं ये इन द प्लेन है. तो ऐसे केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा, ये दोनों मिरर इमेज, ये दोनों मिरर इमेज, ये और ये मिरर इमेज, तो ऐसे में सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगा. ठीक है, जस्ट लाइक एलिन जो हम डबल बॉन्ड के लिए कर रहे थे, स्पायरो के लिए भी इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर थ्री रिंग्स भी हो और सब्स्टिट्यूएंट्स भी हो, ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर H, यहां पर CH3, यहां पर CH3 और यहां पर H, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री डेफिनेटली होगा क्योंकि ये CH3 और CH3 एक दूसरे की मिरर इमेज बनाएंगे इस पॉइंट के अबाउट और यह HH भी एक दूसरे की मिरर इमेज बनाएंगे, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री डेफिनेटली प्रेजेंट होगा. ओके, इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो है तो ये थ्री रिंग्स, मगर ये दोनों CH3 आउट ऑफ प्लेन है और आउट ऑफ प्लेन है तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री का कोई चांस नहीं. हमने डिस्कस किया था इसमें दो प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे, बट सेंटर ऑफ सिमेट्री का इसमें कोई चांस या स्कोप नहीं है. बट क्वेश्चन थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं. तो ये आउट ऑफ प्लेन और ये इन द प्लेन, ठीक है, तो ये CH3 जो अबाउ द प्लेन है और ये CH3 जो बिलो द प्लेन है वो एक दूसरे की मिरर इमेज बना लेंगे और इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री डेफिनेटली प्रेजेंट होगा. एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इस पर. तो इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, ये पॉइंट सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा क्योंकि डायगनली देखो आप, एच के सामने सीएल आएगा और सीएल के सामने इधर क्रॉस में एच आएगा, तो इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा. यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा. अगेन सिमिलर ग्राउंड्स पर क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए, इसे देख करके तो लगेगा कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, मगर यहां पर फोर साइक्लिक रिंग्स हैं और फोर साइक्लिक रिंग्स होंगी तो टर्मिनल ग्रुप्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर और ऐसे में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा. ओके, तो स्पायरो कंपाउंड्स की बात हुई, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन बाइफिनाइल और ट्राइफिनाइल पर. अगेन जैसे दो बेंजीन रिंग ऐसे एसोसिएटेड है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इसमें डेफिनेटली सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा क्योंकि ये दोनों रिंग्स प्लेन में रहेंगी और प्लेन में रहेंगी तो क्या होगा, इस पॉइंट के अबाउट हर एक एटम को मिरर इमेज मिल जाएगी. ठीक है, बट अगर यहां पर ऑर्थो पोजिशंस पर
हम बल्कि ग्रुप्स लगा देते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, इस रिंग का जो प्लेन होगा और इस रिंग का जो प्लेन होगा वो सेम नहीं होगा, ठीक है, दे विल लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके, और अगर ये परपेंडिकुलर होंगी तो ऐसे केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री का कोई चांस या स्कोप नहीं है, ठीक है, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, बिकॉज बोथ द रिंग्स विल लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कोई क्वेश्चन आ जाए ठीक है, तो ऐसे देखने से तो लग रहा है कि इसमें Cl और Cl आमने सामने है, CH3 और CH3 आमने सामने है, बट ये COS इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं होगा बिकॉज इन दोनों बेंजीन रिंग का प्लेन सेम नहीं होगा, ठीक है, एक प्लेनर होगा तो एक परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, ठीक है, तो एक प्लेनर होगा और एक प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, अगर इसी तरीके से हम ट्राई फिनाइल सिस्टम बना लेते हैं, एक जनरल बात मैं कर रहा हूं, मैंने ए बी ग्रुप्स लगा दिए यहां पर, तो अगर हम इसमें देखें ये अगर प्लेन में है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये फिर से प्लेनर हो जाएगा, तो टर्मिनल ग्रुप्स फिर से प्लेन में आ जाएंगे, और टर्मिनल ग्रुप्स अगर प्लेन में आ जाएंगे तो अगर यहां ए है और यहां पर भी ए है, दे विल फॉर्म मिरर इमेजेस, सिमिलरली दीज टू बी विल फॉर्म मिरर इमेजेस, और ऐसे केस में मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री डेफिनेटली प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री के बेसिस पर ही हम मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफाइन करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझना, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिए जानबूझ के लिए जिससे कि कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर रहे, कोई भी नया मॉलिक्यूल आप देखें तो आप लोग खुद से उसको अटेम्प्ट कर पाए और देख करके ही बता पाए कि मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है या प्रेजेंट है। एक लास्ट क्वेश्चन और इस पर हम करते हैं, इस मॉलिक्यूल की बात करें सेंटर के अबाउट, नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिरर इमेज, कार्बन कार्बन मिरर इमेज, तो इस मॉलिक्यूल में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो नेक्स्ट सिमेट्री एलिमेंट हम लोग डिस्कस करते हैं एओएस या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एओएस और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जैसे कि हम बात करें, हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल को इस सेंटर के अबाउट हम ऐसे स्टेरिंग की तरह घुमाते हैं, ठीक है, एक पॉइंट ए है, एक बी है, एक सी है, तो ऐसे स्टेरिंग की तरह घुमाते हैं और 120 डिग्री एंगल से घुमाते हैं, तो आपने अगर इसको 120 डिग्री एंगल से घुमाया तो इसका शेप रिपीट हो जाएगा, जो शेप होगा उसमें बी पॉइंट की लोकेशन चेंज हो जाएगी, ए की यहां आ जाएगी क्लॉकवाइज और सी की यहां आ जाएगी, बट जो शेप है ये दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, इस एक्सिस को जिससे हमने घुमाया है, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे घुमाया है, इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री को ऐसे सी एन की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, वेयर एन रिप्रेजेंट्स 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा, ठीक है,
एंड थीटा इज द एंगल जिससे अपन ने, या मिनिमम एंगल, मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन। तो यहां पर हमने मिनिमम एंगल जो जिससे रोटेट किया वो 120 डिग्री है, तो यहां एन की वैल्यू हो जाएगी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 120 डिग्री, दैट इज 3, और इस एक्सिस को हम क्या कहेंगे, C3। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजनरी एक्सिस, एन इमेजनरी एक्सिस अबाउट विच इफ द मॉलिक्यूल इज रोटेटेड, ठीक है, बाय 360 डिग्री एंगल, ठीक है, बाय 360 डिग्री एंगल द स्ट्रक्चर रिपीट्स इटसेल्फ मोर देन वन टाइम। क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर को आप, या किसी भी मॉलिक्यूल को आप 360 से रोटेट करोगे तो वो तो रिपीट हो ही जाएगा, लेकिन 360 डिग्री रोटेशन में दो बार या उससे ज्यादा बार अगर रिपीट होता है तो उस एक्सिस को हम कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। या मैं ये कह सकता हूं आपसे कि जो एन की वैल्यू है ये इंटीजर वैल्यू है, इट शुड बी ग्रेटर देन वन, एन इज एन इंटीजर एंड इट शुड बी ग्रेटर देन वन, ठीक है, तो एन की वैल्यू वन से ज्यादा आनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार तो कोई भी स्ट्रक्चर रिपीट हो जाता है, लेकिन एक से ज्यादा बार अगर रिपीट होगा तो उसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजनरी एक्सिस, जैसे इसमें यह है स्टीयरिंग की तरह घुमाया हमने, सो इट्स एन इमेजनरी एक्सिस अबाउट विच इफ द मॉलिक्यूल इज रोटेटेड, अबाउट विच इफ द मॉलिक्यूल इज रोटेटेड द स्ट्रक्चर रिपीट्स इट्सेल्फ, द स्ट्रक्चर रिपीट्स इट्सेल्फ मोर देन वन टाइम, द स्ट्रक्चर रिपीट्स इट्सेल्फ मोर देन वन टाइम, ठीक है। तो इसे अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल में देखा, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। जैसे अगर अपन स्क्वायर की बात करें तो इस पॉइंट के अबाउट ये एक्सिस है, तो कितने एंगल से रोटेट कराने पर ये रिपीट होगा, तो इसको हम रोटेट कराएंगे 90 डिग्री से, ठीक है, तो ये रिपीट होगा, और यहां पर अगर अपन एन की वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी 360 डिग्री डिवाइड बाय 90, दैट इज 4, तो ये 4 टाइम्स रिपीट होगा, ठीक है, और इसलिए इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम क्या कहेंगे, C4। सी मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एन मतलब कितनी बार स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है 360 डिग्री एंगल रोटेशन में, ठीक है। तो यहां पर स्क्वायर में ये 4 टाइम्स रिपीट होगा और एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम कहेंगे C4, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं, एक और इलस्ट्रेशन में लेता हूं, बेंजीन में अगर अपन देखें कितने एंगल से रोटेट कराने पर ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री एंगल से रिपीट हो जाएगा। या हम ये बोल सकते हैं कि 360 डिग्री रोटेशन में 6 टाइम्स ये स्ट्रक्चर रिपीट होगा, और ऐसे में एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें हो जाएगा 6, ठीक है। एन की वैल्यू आएगी 360 डिग्री डिवाइड बाय 60, दैट इज 6, ठीक है। C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा किसमें, बेंजीन में, ओके। तो अगर अपन बात करें रेगुलर पेंटागन में कितनी बार रिपीट होगा, इट विल रिपीट इट्सेल्फ 5 टाइम्स, तो 360 डिग्री रोटेशन में 5 टाइम्स रिपीट होगा, और इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा C5। कुछ क्वेश्चंस इस पर हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो इस मॉलिक्यूल में अगर अपन देखें, इसको स्टीयरिंग की तरह घुमाएं, तो क्या होगा, Cl घूम के यहां आ जाएगा, H घूम के यहां आ जाएगा, और 180 डिग्री घुमाने पर ये स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। तो 180 डिग्री रोटेशन पर इट विल रिपीट इट्सेल्फ, और इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेगा। इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, यहां पर इसको भी अगर 180 से रोटेट कराते हैं, मगर इसको हम ऐसे स्टीयरिंग की तरह नहीं घुमा रहे हैं, हम इसको ऐसे पलटा रहे हैं पराठे की तरह, ठीक है। तो पराठा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एच अपनी इसकी पोजीशन ले लेगा, सीएल इसकी पोजीशन है, तो ऐसे हम इसको पलटा रहे हैं, तो एच की पोजीशन ये एच ले लेगा ऐसे घूम करके,
और सीएल की लोकेशन ये सीएल कवर करेगा, और इसमें भी सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, लेकिन हम इसको पराठे की तरह पलटा रहे हैं, तो ये पराठा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। और ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री सी टू क्या है, स्टेरिंग वाली एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो दिस इज स्टेरिंग वाली एंड दिस इज पराठे वाली, ओके। सो दिस इज पराठे वाली एंड दिस इज स्टेरिंग वाली। तो इसमें अगर अपन देखें दोनों ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, स्टेरिंग की तरह भी घुमाएंगे तो रिपीट होगा और पराठे की तरह पलटाएंगे तो भी रिपीट होगा। तो इसमें बोथ एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, स्टेरिंग भी है और पराठा एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है। ओके, अगेन यहां पर अगर दो पाई बॉन्ड्स हैं, बात कर चुके हैं ग्रुप्स परपेंडिकुलर होंगे, लेकिन अगर हम इसको इस एक्सिस से रोटेट करते हैं तो अगर ये परपेंडिकुलर भी है तब भी एक दूसरे की लोकेशन क्या होंगे, एक्सचेंज करेंगे, और ये दोनों भी एक दूसरे की लोकेशन से एक्सचेंज करेंगे। तो इस एक्सिस से घुमाने पर क्या होगा, ये दोनों रिपीट हो जाएंगे और इसमें सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेगा। ऑन सिमिलर grounds, इस मॉलिक्यूल में भी क्या होगा, दीज ग्रुप्स विल बी परपेंडिकुलर, और अगर हम इनको रोटेट करते हैं 180 डिग्री से तो ये दोनों एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे की पोजीशन, ये दोनों एक दूसरे की पोजीशन एक्सचेंज करेंगे और इसमें भी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेगा। ओके, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि इसको अपन पराठे की तरह पलटा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली है नहीं, क्योंकि ये ग्रुप्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, ये प्लेन में है ये परपेंडिकुलर है, ये प्लेन में है ये परपेंडिकुलर है। तो इस केस के अंदर कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, तो इनमें आइडेंटिफाई करें। पहली बात, इस क्वेश्चन में एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है, ऐसे घुमाने पर रिपीट होगा, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, स्टेरिंग वाली एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में ऐसे रोटेट करें तो पराठे वाली एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी C2। इस क्वेश्चन में ऐसे भी घुमा सकते हैं इसको, ये ऐसे रोटेट करें, ठीक है, तो रिपीट होगा, और ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको अगर इस तरह से घुमाएं, ठीक है। एक तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं इसको, और हम ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, इस एक्सिस से। तो इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगा। ओके, क्यूब में अगर हम देखें स्क्वायर की तरह ही होगा ये, ठीक है, और इसमें C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री रोटेट करने पर ये स्ट्रक्चर रिपीट होगा, ठीक है, 90 डिग्री रोटेशन पर रिपीट होगा C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस मॉलिक्यूल में देखें हम, तो इसमें भी पराठे वाली, ठीक है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, तीन पाई बॉन्ड्स हैं, टर्मिनल ग्रुप्स प्लेनर हैं, और अगर हम रोटेट करते हैं तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। अगेन इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, स्टेरिंग वाली C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी।
मीथेन मॉलिक्यूल में, तो इस पॉइंट के मतलब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करें तो ये क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे होंगे तीनों, ठीक है। तो 120 डिग्री रोटेट, यहां से अगर हम इसको 120 डिग्री रोटेट करें तो रिपीट होगा स्ट्रक्चर, और इस मॉलिक्यूल में मीथेन में C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। तो इस मॉलिक्यूल में देख करके बताएं, ये ग्रुप्स और ये ग्रुप्स परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर होंगे तो इसमें भी ये दोनों, यहां से अगर अपन रोटेट करते हैं 180 डिग्री से, ठीक है, तो ये दोनों रिपीट होंगे और ये दोनों भी रिपीट होंगे, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल, या हम साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो साइक्लोप्रोपेन में दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगे, C3 जो स्टेयरिंग की तरह घुमाने पर आएगा और C2 जो पराठे की तरह घुमाने पर आएगा। तो C3 भी है और C2 भी है। एज ए सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन दिए जाए तो अगर आप इसको रोटेट कराओगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री से, ठीक है, या 180 डिग्री से, तो ये आउट ऑफ प्लेन क्या होगा, इन द प्लेन चला जाएगा। मतलब इसको ऐसे सोचें आप, ये CH3 अबाउ द प्लेन है और यहां CH3 बिलो द प्लेन है। तो जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये CH3 घूम करके पीछे की तरफ चला जाएगा, ठीक है, और ये अबाउ द प्लेन है तो रोटेशन होने पर ये बिलो द प्लेन चला जाएगा। थोड़ा सा आप इसको कंपेयर करें, ये ग्रीन आउट ऑफ प्लेन है, ये ग्रीन इन द प्लेन है, ये मिथाइल है आउट ऑफ प्लेन और ये मिथाइल है इन द प्लेन। अब हम इसको रोटेट करते हैं तो ये आउट ऑफ प्लेन से 180 डिग्री रोटेशन में इन द प्लेन चला जाएगा, ठीक है। वैसे ही देखो आप, ये हाइड्रोजन नीचे है, ये घूम के ऊपर आ जाएगा, तो ऐसे में यहां पर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेगा। लेकिन अगर हम इसका सिस स्ट्रक्चर ले लेते हैं, सेम साइडेड, ठीक है, तो फिर इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखिए, हमने इसका सिस फॉर्म ले लिया। अब मैंने इसको 180 डिग्री से रोटेट किया तो स्ट्रक्चर रिपीट नहीं हो रहा है। 180 डिग्री रोटेट करने में क्लोरीन ऊपर आ जाएंगे, या एक और बार रोटेट करेंगे तो नीचे चले जाएंगे। तो इस मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको रोटेट करने पर रिपीट हो जाएंगे, ठीक है, और C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। अगेन ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो HH एक दूसरे की पोजीशन, CH3 एक दूसरे की पोजीशन ले लेंगे और इसमें भी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। ओके, तो इसको भी अगर अपन रोटेट करते हैं C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेगा। अगेन 1, 2, 3, 4 पाई बॉन्ड्स, और अगर फोर डबल बॉन्ड्स है तो कॉर्नर ग्रुप्स परपेंडिकुलर होंगे। अब मैं इसको ऐसे रोटेट करता भी हूं तो ये दोनों डिससिमिलर हैं, ये दोनों तो सिमिलर हैं, तो ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल में मैंने यहां क्लोरीन लगा दिया, अब रोटेट करता हूं तो ये दोनों एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे की पोजीशन इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे की पोजीशन इक्वल हो जाएंगे और इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगा।
ओके, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं बाइफिनाइल पर. हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर रिपल्शन है तो रिंग्स क्या रहेंगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर. तो ऐसी कंडीशन में जब ये दोनों सेम हैं और ये दोनों सेम हैं तो सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, क्योंकि ये रिंग्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन और ऐसे रोटेट करते हैं 180 डिग्री से, तो ये दोनों सेम साइडेड आ जाएंगे. बट अगर यहां पर ये दोनों ग्रुप्स अगर सेम हैं, ठीक है, तो इसको अगर अपन ऐसे पराठे की तरह पलटाते हैं, ऐसे 180 डिग्री से पलटाते हैं, तो सिमिलैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि ये प्लेनर बॉन्ड्स होंगे और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन बॉन्ड्स होंगे. ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में CN या एक्सिस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं हो पाएगा. काफी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, ठीक है, तो आपके एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में. इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं. तो अब अगर अपन बात करें, यहां पर ये दोनों ग्रुप सेम है और ये दोनों ग्रुप सेम है, ठीक है, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेगा C2, मतलब हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ. और अगर क्वेश्चन में ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम दिया जाए और ये ग्रुप सेम दिया जाए, ठीक है, तो फिर हम इस एक्सिस से रोटेट कराएंगे, ठीक है, इसको पराठे की तरह ऐसे पलटाएंगे, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये दोनों सेम हो जाएंगे और ये सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेगा. ओके, तो ये ट्राइफिनाइल और बाइफिनाइल की बात हुई. अब हम देखते हैं स्पायरो, स्पायरो कंपाउंड्स के लिए. तो स्पायरो कंपाउंड्स में बात कर चुके हैं, परपेंडिकुलर रिंग, तो इस मॉलिक्यूल में तो कोई दिक्कत नहीं है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा इस तरह से, ये दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे और ये दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे. बट अगर इसके अंदर ये यहां पर लगे हुए दोनों ग्रुप सेम हो जाए और यहां पर लगे हुए दोनों ग्रुप सेम हो जाए, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आ सकता है. कैसे? इस तरह से 180 डिग्री रोटेट करेंगे दोनों सेम, ये दोनों सेम, तो यहां पर क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसके अंदर रहेगा, ठीक है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री. लेकिन अगर क्वेश्चन में ये दोनों सेम रहते हैं और बी ये दोनों सेम रहते हैं, तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये बॉन्ड्स क्या रहेंगे, प्लेनर, और ये बॉन्ड्स परपेंडिकुलर टू प्लेन रहेंगे, तो ये बॉन्ड्स और ये बॉन्ड्स प्लेनर नहीं है, और इसमें अगर आप इसको ऐसे रोटेट करते हो, ठीक है, तो ये एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को, और अगर ऐसे रोटेट करते हो तो ये दोनों डिससिमिलर है, एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसमें सेंटर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा. ठीक है, बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जा रही है, कभी हम बोल जा रहे हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, बट इन सब केसेस में वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो स्पायरो में हमने डिस्कस किया, दो रिंग्स अगर दी जाए, तो अगर मान लीजिए कि थ्री स्पायरो रिंग्स अगर है इस तरह से, तब तो ये बिल्कुल क्या हो गया, थ्री पाई बॉन्ड्स, तो ग्रुप्स यहां पर वापस से प्लेन में आ जाएंगे. तो इस मॉलिक्यूल में आप बताइए क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेगा, इसमें बिल्कुल रहेगा, और स्टेरिंग की तरह हम इसको रोटेट कर सकते हैं, स्टेरिंग वाली C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट रहेगी. ठीक है,
एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस तरीके से अगर इसको रोटेट कराया जाए 180 डिग्री से, तो ये पराठे वाली एक्सिस होगी, ए ए एक्सचेंज होंगे, बी बी एक्सचेंज होंगे, तो ये पराठे वाली सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेगी। ओके, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या इस मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा? तो यहां से अगर अपन देखें तो एच एच एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे 180 डिग्री रोटेशन में। अब ये अगर राइट में है तो जब ये घूमेगा तो लेफ्ट में चला जाएगा, और लेफ्ट वाला जो होगा वो राइट में आ जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम। यहां पर देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन व्हाइट आमने सामने है, राइट में देखिए ब्रोमीन है, लेफ्ट में क्लोरीन है। यहां पर देखिए राइट में क्लोरीन है, लेफ्ट में ब्रोमीन है। तो जब मैं इसको 180 से रोटेट करूंगा तो पीछे वाला जो वॉयलेट कलर्ड है वो आगे आ जाएगा घूम करके, और जो ग्रीन राइट में आ रहा है ठीक है वो घूम करके क्या होगा, पीछे चला जाएगा। इस तो ग्रीन वाला ग्रीन को एक्सचेंज कर रहा है, वॉयलेट वाला वॉयलेट को एक्सचेंज कर रहा है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन को एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, तो इसमें सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है। ठीक है, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या नहीं है ये क्वेश्चन पहले आईआईटी में पूछा जा चुका है। अगर इसी चीज को मैं थोड़ा और एक और क्वेश्चन इस पर प्लेस करता हूं, और ब्रोमीन को दोनों ही केस में राइट में ले लेता हूं और क्लोरीन को दोनों ही केस में लेफ्ट में ले लेता हूं, तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि ब्रोमीन क्या होगा, घूम के पीछे चला जाएगा। ठीक है, जबकि इसमें दोनों में ही सेम साइड में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में थोड़ा अपन इसको देखें, अगर दोनों ब्रोमीन सेम साइड में राइट में है, दोनों क्लोरीन लेफ्ट में है, अगर हम इसको 180 से रोटेट करते हैं तो ये स्ट्रक्चर रिपीट नहीं हो रहा है, और रिपीट नहीं हो रहा है तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ठीक है, लगातार बोलने की वजह से कभी कभी थोड़ा सा गलत निकल जाता है, ध्यान रखिएगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहां अगर अपन देखें CH3 आउट ऑफ प्लेन है या इन द प्लेन है, और अगर मैं इसको रोटेट करता हूं 180 से तो ये आउट से क्या होगा, इन चला जाएगा, इन से क्या होगा, आउट हो जाएगा, और इसमें भी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेगा। ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, ओके तो इसमें भी क्या होगा, इस एक्सिस से रोटेट कराने पर तो ये आउट से इन, इन से आउट हो जाएगा रोटेट करके, तो इसमें भी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो आज हमने काफी डिस्कशन किया एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में, और काफी सारे इलस्ट्रेशंस किए। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का उतना ज्यादा एप्लीकेशन हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में करते भी नहीं है। तो इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट बचता है ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो बहुत थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे आपको एक आइडिया देने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का भी यूज नहीं करेंगे, बट कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या नहीं, तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आइडिया होना चाहिए, उतना मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विथ ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड वी विल ऑल्सो स्टार्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो एक्चुअली ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।